अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जबरदस्त होंगे। मैं हूँ शान और आप देख रहे हैं अपना एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज दोस्तों तो बहुत अच्छी न्यूज़ेस हैं जो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो ताज़तरीन अपडेट बनी हुई है मार्केट्स की, वो भी आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों एक जराए से खबर आई है कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई है, पर दोस्तों ऐसी चीज़ जो है खुलकर सामने नहीं आई, वरना कहा जा सकता था कि वाकई में इजाजत मिल गई है। पर दोस्तों इसी न्यूज को लेकर जो चीनी की मार्केट है उसमें कुछ बेहतरी देखने को मिली है। गंदम मार्केट में भी काफी हद तक जो है बेहतरी बनी है काला, और आज ताजतरीन रेट्स अपडेट क्या है तो वो शेयर भी करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे गंदम पर। दोस्तों गंदम मार्केट जो है काफी हद तक परेशानी का बना बाइस बनी हुई है स्टॉक की और किसानों के लिए। फिलहाल रहीम यार खान में जो गंदम का रेट है वो 2750 रुपये तक चल रहा है, जबकि लाहौर में जो है वो 2500 रुपये, बहावलनगर में 2650 रुपये, इस्लामाबाद में 2850 से 2850, जबकि कराची सिंध गंदम जो है वो 7700 रुपये तक, जबकि कराची पंजाब गंदम जो है वो 7200 से 7250 रुपये तक भी रेट बने हुए हैं। कराची की मार्केट अगर देखा जाए तो 100-150 बेहतर बन चुकी है। तो इसी तरह बाकी शहरों में भी हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है गंदम की मार्केट में। मजीद जो है कल अपडेट आएगी कि क्या बनने वाला है। इसी तरह चीनी की मार्केट में भी मंदी के बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। JSW फिलहाल 13180 से 200 रुपए तक की भी आवाजें आ रही है। यूनाइटेड की जो है 13170 से 80, इतिहाद 13210, हमजा 13260, रहीम यार खान 13260, वोट की 13180, हिर की 13180, लैंड 13170, SPM 13160, किसान 13575, रमजान 13575, सवेरा 13525, सफीना 13525, अलरबिया 13625, चश्मा 1 जो है 13425, चश्मा 2 13425, आलमो 1 13425 से, अलमोई 2 13425 रुपये, मेहरान जो है 13300, रानीपुर जो है 13250, खैरपुर जो है 13275 रुपये तक रेट्स बने हुए हैं चीन की मार्केट में। फिलहाल ये पोजीशन है। मजीद ऐसी वीडियो और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ढेरों सारे रेट्स की अपडेट हासिल कर सकते हैं। तो अब तक के लिए काफी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।